नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जीवन के 72 साल पूरे किए हैं, जिस पर पीएम मोदी को पूरे देशवासियों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने बधाई। इसी कड़ी में बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बनारस के गंगा घाट समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनारस वासी अपने सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आफताब हमसे जुड़ेंगे। आफताब, प्रधानमंत्री मोदी 72वां जन्मदिवस मना रहे हैं, आप वाराणसी में हैं जो उनका संसदीय क्षेत्र है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां? जी मयूरी जी, मैं आपको बता दूं कि बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिवस है, जिसको लेकर के काशीवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस के ब्लड बैंक में, जहां लोग ब्लड डोनेट करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए यहां पर लोग जो है कि यहां पूरी तरीके से पूरी तैयारियां हो चुकी है और लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आ गए हैं। और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज का दिन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे पास 7 लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इनके जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ जी, आज यहाँ पर आप किस लिए आए? ऐसा है कि सबसे पहले कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा, जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बनारस के सांसद जी हैं, और जो उन्होंने प्रेरणा दी है कि समाज के निचले स्तर पर जाइए, समाज की सेवा कीजिए, तो उस प्रेरणा को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है। हम यहाँ चूंकि ब्लड बैंक, आज ब्लड की बहुत आवश्यकता है, जो दुर्घटना हो जाती है, महिलाओं को प्रसव होता है, उस समय जो आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे समय हम लोग रक्तदान देते हैं, वो ब्लड बैंक में जमा होता खून, तो उस समय काम आता है। तो एक समाज की सेवा के तत्पर हम लोग यहाँ पर आए हैं उनके जन्मदिन पर यहाँ ब्लड डोनेट करने। आप भी ब्लड डोनेट करेंगे? हाँ, मैं हर साल करता हूँ जन्मदिन पर, और इस बार भी आया हूँ। तमाम लोग आए हैं जो उनसे मोदी जी जो की जो प्रेरणा लेकर हम लोग ही समाज की सेवा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग करीब 9 लोग आए हैं। पिछले साल हम लोग 11 लोगों ने दिया था, अभी और लोग भी आ रहे हैं, तो इस बार हम लोग 15 लोगों का सोचा है कि 15 लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डोनेट करेंगे। तो आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है और लोग जो है कि वो यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने के लिए, ये भी एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। बनारस में हर जगह घाट हो, मंदिर हो, हर जगह पर लोग अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं। मयूर जी, आफताब, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारी की गई है बनारस में? जी, ये भाजपा कार्यकर्ता जो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी पूर्व राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी मौजूद हैं, या वो भी आए हुए हैं। और ये भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री थे, जिनसे अभी हमने बात की, आसिफ जी से। ये भाजपा के द्वारा ही ये कार्यक्रम। और लोगों से कहता हूं, वहां बात करने की कोशिश करें कि वहां कैसा माहौल है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम और लोगों से बात करने गए कि क्या यहाँ का माहौल काफी खुशनुमा है, और जो है कि लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आज यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं? जी। कैसा लग रहा है आज मोदी जी का? बहुत अच्छा लग रहा है, 72वां उनका जन्मदिन है। इस काशी में ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत से ऐसे ऐसे कार्य किए हुए हैं कि क्या किया, सब कोई जानते ही है। और लोग भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। अनुप जायसवाल जी, आज कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस है, इसको लेकर के आप क्या? काफी उत्साहित है, और हमें सबका देश उत्साहित है। आज 72वां जन्मदिवस है उनका, और हम सब यहाँ पे रक्तदान करने को उपस्थित हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रत्येक मंडल है, ये टारगेट किया गया कि हर एक मंडल से, क्योंकि 72वें दिवस पे कम से कम 72 लोग हर एक मंडल से यहाँ पे रक्तदान दें, उस टारगेट पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो बता दें मयूरी जी की काफी उत्साह लोगों के अंदर है, और लोग जो है कि हर तरह से खुशियां मना रहे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, तो कहीं केक काटे जा रहे हैं, और लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है बनारस से। मयूर जी, आफताब, पीएम मोदी ने वाराणसी को कई सौगातें दी हैं,
कई योजनाएं दी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, पूरे वाराणसी में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है? जी बिल्कुल, मैं और जी मैं आपको बता दूं कि बनारस में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है और लोगों में काफी उत्साह हो, घाट हो, मंदिर हो, पार्क हो, हर जगह बता रहे हैं लोग खुशियां मना रहे हैं, काफी खुश हैं लोग, काफी उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनारस में कई करोड़ों की परियोजनाओं का सौगात दिया है, लोगों को काशी वासी फूले नहीं समा रहे हैं, लोगों में काफी खुशियां देखी जा रही है। जी धन्यवाद आफ्ताब तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।